हो जब आवेगा भगत सिंह त्यार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में जब आवेगा भगत सिंह त्यार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में बहन तुम कहती हो जब आवेगा भगत सिंह त्योहार बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। हाँ भैया, लेकिन बहन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस जेल के अंदर भी मैं मुकरने के लिए तैयार नहीं हूँ, झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहन हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों करोड़ों भगत सिंह हो जाएंगे जो तुम्हारी राखी खुशी खुशी कलाई में बंधवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक बार दोबारा से कह करके बताइए। हो जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। ओ इसे देश ते जुड़िया है बहन प्यार ओ बेबे क्यों घबराई बांधी ये तू राखी मेरे हाथ में। गांव गली और कुटम कबीला सभी ने मलाले होगा मतलब का जमाना मारा किसी ने न ख्याल होगा मतलब का जमाना मारा किसी ने न ख्याल होगा। वो जीना है बेकार जगत में जीना है बेकार जगत में जिसे देश की कोना मेरे देश की खातर जान गवा दे देश की खातर जान गवा दे उसे ही कया हजा शेर हसी खुशी लोगो हसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर हसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर झिले ना किसी पे ऐसी मार हो या दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में। कहिए बहना। अरे तू मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा लेकिन उस बूढ़ी माँ के बारे में तो सोच कि जब बुढ़ापा आएगा तो उसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। भैया एक बार उस माँ के बारे में सोच जिसने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। भैया कुछ तो सोच। ये तो मैं भी भली भांति जानता हूँ बहना किस मेरे
बूढ़े माँ बाप के बारे में मुझे सोचना चाहिए जिन्होंने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, गर्भ में रखने के बाद मुझे जन्म दे दिया, मुझे जन्म देने के बाद में पाल पोस करके बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद में उनका भी एक सपना है, उनका भी एक मौका है। हाँ भैया, सब माँ ये चाहती हैं, हर माँ का एक सपना होता है कि मैं अपने बेटे को बड़ा करके एक सुंदर सी दुल्हन घर में लाऊं, दुल्हन को घर में लाने के बाद अपनी सेवा कराऊं, जिससे मेरी वंश बेल आगे की तरफ चल जाए। लेकिन बहन, मैं इन बातों से बिल्कुल मंजूर हूँ, इन गोरे अंग्रेजों के सामने मैं हमेशा सर नहीं झुका सकता। मेरी बात सुनिए भैया। कहिए बहना, क्या कहना चाहती है? बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बधाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यू अपनी धीर बधाए बैठी। अरे ना सोचा हो, सारे याद मुझे इतिहास। हाँ? आजादी के देखे, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस, भोली भाली बहन कहानी। हाँ? सुनती जाइए मेरी खास, भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। सिर पे उठाया कैसा भार हो करे मन के चाहे हो ना समाई मेरे गात में। ओ बेबे भारत रहेगा तेरे साथ में,
विशेष भक्ति भजन पर खुश होकर के आदरणीय भगत जी के माता दीन के पोते दीपक हर्ष निखिल अनमोल जो 2100 रुपये देकर के उन वीर शहीदों की इस रागनियों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए इनका, सभी का जोरदार ताली बजा करके। आइए तीसरी कली में वो भगत सिंह न्यू कहने लगे बहन से कि बहन अगर तू वाक्य में मेरा खून है, अगर वाक्य में ही तो मेरी माँ की जाई बहन है, तो जाइए जाकर के मेरी माता को समझाइए, जाकर के मेरे पिताजी को समझाइए, जाकर के मेरे दादा को समझाइए, जाकर के मेरी दादी को समझाइए। सजनों किस तरीके से कहने लगे वो भगत सिंह अपनी बहन से और के बता दिया भैया, कहिए बहन। ना तो मुझे आजादी चाहिए इस देश की, और ना ही मुझे ये चाहिए कि मेरा भाई इस देश के खातिर मर जाए, चला जाए। लेकिन भैया, आज मैं तुझसे बस इसी बात को कह रही हूँ भैया कि तू मेरा भाई है, और मैं बस यही चाहती हूँ, मेरे दिल में बस यही तमन्ना है कि मैं हर वर्ष तेरी कलाई में राखी बांधू। भैया मुझे आजादी वाजादी कुछ नहीं चाहिए भैया। कैसी बात करती हो बहन, इस हिंदुस्तान के लिए, अरे हिंदुस्तान के लिए तो दो प्रकार के लोग होने चाहिए, हिंदुस्तान के लिए तो दो तरीके के लोग होने चाहिए, अरे दो तरीके के लोग ऐसे होने चाहिए। अगर बहन मुझे गलती से भी इन गोरे अंग्रेजों ने फांसी लगा दी तो इस हिंदुस्तान के लिए, ये सामने देख रही हो, इस हिंदुस्तान के अंदर मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। अच्छा? जो तुम्हारे हाथ में कलाई बांधने के लिए तैयार हो जाएंगे, और तुम उनकी कलाई में राखी बांधने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात सुनिए भैया, कहिए अपनी बात क्या कहने चाहते हैं। अरे आजादी तो पीछे है रे, आजादी तो पीछे है, मने पहले चाहिए अपना वीर, डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर, ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उठावे चीर, ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उठावे चीर, वो तू सारा की बहाना शेरनी ओ रोने का नली जो नाम, रोने का नली जो नाम, दादाजी को मेरे दादाजी को समझाना, मेरे दादाजी को समझाना, मेरी माता को कहियो प्रणाम, धूल जबानी पे पड़े जा जो भारत माता रहे गुलाम, धूल जबानी पे पड़े जा जो भारत माता रहे गुलाम, हे माया तेरी करे तार हो, हो या कष्ट दिखाए मैं भी मरूंगी तेरे साथ में, ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में। कहिए बहन, जिन्होंने तुझको ये फांसी सुनाई है, हाँ, मैं केवल उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। उन लोगों से एक बार मिलना चाहती हूँ? हाँ भैया। लेकिन बहन उनसे क्यों मिलना चाहती हूँ, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। भैया मैं उनके हाथ जोड़ूंगी,
और जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी भैया। कैसी बात करती हो? लेकिन भैया मैं तुझको बचा लूंगी भैया। मेरी जान बचाने के लिए तुम गोरे अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ोगी? हाँ भैया। उनके पैर पकड़ोगी, उनसे माफी मांगोगी? ये हरगिज नहीं है उन्हें दूंगा मैं। भैया आज तो आप केवल आजादी 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 और कुछ नहीं सोचता, केवल आजादी दिखती है। माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं। अरे एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और एक माफी वो मांगता है जो भारत देश का गद्दार होता है। ए बहन, ये भगत सिंह ना तो उन गोरे अंग्रेजों का गुनहगार है और ना अपनी भारत माँ का गद्दार है। ये सर कट तो सकता है लेकिन भगत सिंह झुक नहीं सकता। सदनो ऐसा था भगत सिंह। भैया मेरी बात सुन लीजिए। कही अपनी बात, क्या कहना चाहते? हाकिम ने सजा सुनाई, एक बरत मिलवा दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे हर बच्चा जा बोले करी रे, हर बच्चा जा बोलेगा भरा ले तक गुनगान होगा। हाँ। तेरी राखी के नेग जोग में, तेरी राखी के नेग जोग में बहान हरा बलिदान होगा। और कह जय करण लोगो कह जय करण, न्यू कह दी तेरा भात हिंदुस्तान होगा। कह जय करण हिंदुस्तान होगा। ये सुनेगा सभी संसार ओ या प्रिया गावे सुरती लगा के देवी मात ने। ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में, जब आवेगा भगत सिंह क्या हार हो। ओ मेरी माँ के जाए बांधूंगी राखी किसके हाथ में। देश देश ते जुड़ा है बहन प्यार हो। ओ बेबे क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। ओ बहना देश रहेगा